लगातार धान खरीदी का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसे लेकर सदन में यह बात उठी। कांग्रेस का कहना है कि धान खरीदी करने पर भाजपा डिले कर रही है। वहीं इसका पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि डिले किया जा रहा है या नहीं वो तो वक्त बताएगा, मोदी की गारंटी पर हमने जो वादा किया है वो करके दिखाएंगे। क्या डिले हो रहा है, क्या डिले हो रहा है, नहीं कहां हो रहा है डिले? मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया जो हमने वादा किया 2100 रुपए में धान खरीदा जाएगा और आज बजट में आ गया है। अरे मुख्यमंत्री जी, उमेश पटेल जी मंत्री रहे हैं, क्या बिना बजट के प्रोविजन के कोई काम होता है क्या? कांग्रेस के लोग तो बिना बजट के प्रोविजन के मुख्यमंत्री जी घोषणाओं पे घोषणा, 1,00,000 करोड़ की घोषणाएं हैं भूपेश बघेल की, जिसके लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं था और जिसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास कर दिया। बीजेपी की सरकार जो भी काम करेगी वो नियम कायदे कानून से करेगी, बजट में प्रोविजन करके करेगी, भूपेश बघेल जी के जैसे ढपोल संख नहीं होगी।